हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ नीरू ब्लॉग्स यूके एनएमपी में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी आज मॉर्निंग में जल्दी कर ली हूँ क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। सुबह की मॉर्निंग मेरी किचन के साथ में ही होती है, ब्रेकफास्ट के साथ में। तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ बच्चों के लिए, और वो क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। आज मैं बना रही हूँ छोले, ब्लैक वाले छोले मैंने उबाल दिए हैं। देखो सीटी लगा दी, नाइट में मैंने इनको भिगो के रख दिया और अभी अच्छे से उबल गए हैं। और हरी मिर्ची कट कर ली मैंने, और जीरा और हरी मिर्ची का तड़का लगाऊंगी मैं और फिर इनको फ्राई कर दूंगी। छोले कर दिए हैं मैंने रेडी, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। खुशा गई है अभी मंदिर, अंशु नहाने के बाद ये टेस्ट करेंगे। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। आज देखो है ना, मैंने चने फुला रखे हैं दाल के लिए। इसकी दाल बहुत अच्छी बनती है, छत में सुखा दूंगी इसको। देखो अच्छे से फूल गए हैं। घर से आके लिए थे मैंने जून में चने, आधे मैंने अभी दीपावली के टाइम पे कर ली थी दाल और आधे आज फुला दिए। तो इनको अभी धूप में भी डालूंगी ऊपर। पहले मैं घर के सारे बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ। मैंने है ना हलवा भी बना लिया है पूजा के लिए। आज भोग लगाऊंगी सूजी का हलवा का। घर पर मैंने भोग लगा दिया है, अब मैं मंदिर होके आ जाऊँगी। और मिस्टर जी भी नाश्ता करने लग गए हैं। पूजा भी हो गई मेरी और मंदिर जाके भी आ गई हूँ। अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी। आज है ना कन्या भोजन की वाइब्स आ रही, मुझे बस एक पूड़ी नहीं बनाई। बच्चे के भूल गए, पता नहीं क्या हुआ, वो बोल नहीं पाई कि मम्मी पूड़ी भी बनाओ, तो मैंने फिर बनाई नहीं सुबह सुबह जल्दी का। फिर यही आज हलवा और चने का ही करूँगी मैं भी नाश्ता। काफ़ी टेस्टी टेस्टी लगता है, जैसे नवरात्रि में बनाते ना, देख सकते हो। अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता करके मैं बैठी थी, मैंने अभी कपड़े भी नहीं सुखाए हैं ऊपर, जो चने भी सुबह मिस्टर जी से मैंने टफ ऊपर रखवा दिए थे वो भी नहीं फैलाए। मेरे आ गए थे कस्टमर, उनका काम करके अब फ्री हो गई हूँ। अब मैं पहले कपड़े ले जाती हूँ ऊपर और फिर चने भी फैला के आऊँगी। अब मैं कपड़े सुखा के आती हूँ ऊपर, मौसम भी ऐसे ही हल्का हवा चल रही है और टाइम भी दिन के 12 बज गए। जिस दिन सुबह में कस्टमर आ जाते हैं ना, तो मैं काम करने में लेट हो जाती हूँ। टावल गैलरी में क्या, आजकल धूप जल्दी चले जाती है, सामने पेड़ हो गया ना तो उसकी वजह से धूप ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। बच्चे भी सुबह नहा के टावलों को ऐसे रखे गए हैं। ऊपर धूप लग जाती है ना टावल वगैरह में, अच्छे सूख जाते हैं और नीचे थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, जब तक अच्छे से सूखे नहीं कपड़े। चने भी क्या पता कैसे सूखे होंगे, थोड़ी बहुत नहीं सूखे होंगे, ऐसे ही डाल दिए थे, टफ सही थी। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल, बच्चे थोड़ा लेट जा रहे हैं 8:15 बजे तक, तो और लेट हो जा रही हूँ। वो जल्दी चले जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, वो लेट जाते हैं तो उनके चक्कर में और काम भी लेट ही रहता है। फटाफट कपड़े फैलाती हूँ, चने भी सारे फैला दिए मैंने इस तरीके से। आज तो नहीं सूख पाएंगे क्योंकि धूप बहुत कम है और मौसम दिखाएं आज का, आप देख सकते हो हवा भी चल रही हल्की हल्की। और आज है ना इधर पीपल का पेड़ की कटिंग हो रही, देखो बटालिन में इतने सारे पेड़ हैं। एक बार पेड़ों को लगाने का काम करते हैं फिर उनकी छटाई का काम रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं बटालिन में पेड़ पौधों के भी, क्योंकि पहले इनको लगाया होगा और फिर ज़्यादा हो जाते फिर कटिंग करनी रहती है। तो ऐसे हैं बटालिन के काम। छत पे कितने अच्छे फूल खिल जाते हैं मेरे, आज सुबह मैं आई नहीं ऊपर तो। देखो रेड वाले फूल बारहमासी भी है और रेड वाले भी हो जाते हैं, तो मैं चढ़ा दूंगी अभी माता जी को। अब जाती हूँ नीचे, खाना भी बनाना है ना। अभी कुछ भी नहीं करा मैंने अभी दाल वाल, फटाफट नीचे जाके खाना ही बनाऊंगी। बाल भी नहीं सुखाए मैंने अभी, आज टाइम ही नहीं मिलता जिस दिन जल्दी जल्दी का काम रहता। अभी खाना वाना बना के फिर बैठूंगी धूप में, उसके बाद होंगे सारे काम। अब बना लेती हूँ खाना। दाल चढ़ा दी मैंने गैस पे और मैं यहाँ है ना हरी सब्जी काट रही हूँ। हरी सब्जी बची है घर की,
इतनी और बची है, देख सकते हो बस एक दो पत्ते पीले हो गए, ऐसे हो जाते ज़्यादा दिन होते हैं। वो तो फ्रीज में रख देते ना यहाँ आते ही, तो तब भी कुछ नहीं होता है कि देखो कितने अच्छे लग रहे थे हरे हरे, पर अब पीले पीले हो गए। और इसकी बनाऊंगी मैं हरी भाजी और दाल चावल के साथ में, घर की जो ये रहते हैं ना लाई पत्ते का, बड़ा टेस्टी लगता है मुझे, तो ये बनाऊंगी अभी। देखो हरी सब्जी बन गई है मेरी, इतनी टेस्टी रहती है ना ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है उसका, इसकी जो खुशबू है ना घर की लाई पत्ते की, आहा वो खुशबू आते ही बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। और टेस्ट भी ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा तेल में और नमक डाल के मैं इसको बनाती हूँ एकदम सिंपल सी, और उसी का बहुत ज़्यादा टेस्ट रहता है। देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। दिन के 2 बजने वाले हैं, बच्चे भी आ गए हैं, खुशा तो आ रही है अभी और अंशु आ गया पहले, बैग भी नहीं उतारा। और मैं क्या पार्लर में फिर से बिजी हो गई थी, कस्टमर आ गए। फालतू ही काम करता रहता है, इसके ऐसे काम रहते, घर आते बैग को लेके गैलरी में घूम के आया, डैडी ऑफिस में है, गैलरी में गया और फिर मैं आगे रूम में थी, फिर वहां आया, जैसे कस्टमर गए फिर वापस आ गया। क्या खा रहे हुए? 3 हो गया है टाइम, अंशु कोचिंग के लिए रेडी हो गए और इन लोगों ने खाना खा लिया, जैसे मैंने खाना परोसा इनको। हाँ तो घर में ही है बेटा, दोनों आप रखिए ऐसी जगह, और मैं खाना जैसे रखा तो मेरे कस्टमर आ गए थे, मैं उनका काम करने लग गई और अब मैं खाना खाऊंगी। ये लोगों का तो हो गया खाना पीना, और मिस्टर जी गए हैं, कुछ सामान आ रहा है मेरा, तो बस स्टैंड जाएंगे अभी। और इनका तो यही चल रहा कोचिंग का काम, मेरे को भी भूख लगी, मैं खा लेती हूँ खाना। दाल मिक्स और हरी सब्जी, पहाड़ी लोग तो ये सब जानते हैं हरी सब्जी दाल के साथ कितनी टेस्टी लगती है। खाना भी खा लिया है मैंने, और है ना इस वाली सब्जी को अब जब गर्मी में घर जाऊंगी तभी खाने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये मिलती नहीं है, घर जाते तभी। और इतना अच्छा मिक्स दाल घर की, और घर के एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक चावल, और इतने टेस्टी रहते हैं ना, हम लोगों को तो काफ़ी टेस्टी लगता है अपने घर का खाना। तो खा के अब बैठ गई हूँ मैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और है ना मेरा ये पार्सल आया था ब्यूटी की जो क्रीम है ना, ये बहुत अच्छी है, इसको मैंने 3-4 बार मंगा दिया है, और अभी भी मतलब इसके जो भी ले जाता है एक बार ले जाते बोले भाई ये क्रीम बहुत अच्छी है, तो इसको यूज करके सभी देखते हैं और सभी इसका रिजल्ट अच्छे बताते हैं। और मैंने 3-4 बॉक्स मंगा दिए अभी, ये गर्मी से अभी तक के 36 पीस आते हैं इसमें, और 36 के 36 पीस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये वाला बॉक्स खाली होने वाला था, एक ही बचा इसमें, और ये मंगा लिया मैंने। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे बैठने का, और अब रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। अब मैं बॉक्स चेक कर लेती हूँ, कभी एक आध पीस कम भी आ जाता है, और अभी देखती हूँ कितने आए। पैकिंग भी टेप लगा के भेज देती हूँ। इस बार तो पूरे 36 के 36 है, डबल में आती है ना रोज निखार ब्यूटी क्रीम, पूरे हैं इस बार तो। दिन भर आज पार्लर में ही व्यस्त रह गई मैं, और शाम को फिर थोड़ी देर वो चने की दाल को उठा के आई, और अभी बैठी थी मैं यहाँ पे, मिस्टर जी भी आ गए हैं, अंशु आ गया था खेल के, और वो गया है पानी पतासे लेने के लिए, बोले मुझे पानी पतासे खाने हैं। और खुशा अभी कोचिंग से आई नहीं है, अब करूँगी शाम के खाने की तैयारी। और आज थक गई हूँ, दिन भर खड़े खड़े पार्लर में हो गया, और सुबह से काम भी बहुत हुआ था, ये चने डालना ये करना, तो यही चल रहा। अभी बैठ गई मैं भी यहाँ पे, दिया बत्ती कर ली मैंने, और सुबह का टीका भी ऐसे ही, मुँह ही नहीं धुला मैंने, टाइम मिला नहीं तो मुँह भी नहीं धुला। ऐसे होता है किसी दिन तो मैं दिन भर मतलब खड़े खड़े ही रह जाती हूँ, और किसी दिन खूब टाइम रहता है, ऐसे ही है काम का, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, और हमने सामने वाले पेड़ से फली भी तोड़ रखी थी, आपको दिखाती हूँ, नीचे पड़ोसी और हमने तोड़ी, मैं छत पे गई तो वो भी आ गए थे, ज़्यादा फली तो हुए नहीं थे पेड़ पे। देखो ये है सरोजना की फली, हमारे यहाँ वाले तो कोई नहीं जानते, इसकी सब्जी है ना शरीर के लिए बहुत हेल्दी रहती है, तो कुल इतनी फली हुए थे पेड़ में। तो इनके छोटे छोटे पीस बना के आलू डाल के बनाऊंगी मैं इसको। अंशु ने घर आके सुबह का हलवा खा लिया है, मैंने भगवान का भोग लगाया था अभी दीपक करा, वो भी खा लिया उसने, तब गया वो कटोरी रख के गया स्टैंड में,
अब मैं सब्जी काट लेती हूँ इसकी और आज दिखाऊंगी आपको। इस बार हमने बनाई भी नहीं थी ये सब्जी, पहली बार ही बना रहे सरोजना की फली की सब्जी और अच्छी रहती है। इसके पराठे वगैरह भी बहुत टेस्टी रहते हैं और शरीर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं ये। तो अब बनाती हूँ इसकी सब्जी, देखो कैसे बनती है। सब्जी काट रही थी, अंशु आ गया, शायद गेट ठोक रहा है वो, अभी इतने एक्साइटमेंट होगा, अभी क्या बताऊँ, इसके तो काम ऐसे निराले हैं। आ गया, ठंडी नहीं लगी, देखो खेल के आया, जैकेट फिर उतार के लिए आया अपने लिए पानी, पता से चटोरा है एक नंबर का, बाहर इसको सारे खुशा अभी तक नहीं आई है, पौने सात हो गया है, खुशा के आने तक वो निकाल के प्लेट में रेडी कर लेगा। सब्जी काट लेती हूँ फटाफट, बर्तन से बजाने लग गया खड़ खड़ करके। अंशु ने तो शुरू कर दिया पानी पता से खाना, कैसे हो रखे हैं? नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं हो रहा। चटनी भी लेके आया है, खुशा भी आ गई है कोचिंग से, खा लो तुम दो ही जने। देखो फलियों को है ना ऐसे छिलते हैं, जो है रहती है इसके जड़ काट ली मैंने और बाहर के छिलके बहुत अच्छे से उतर जाते हैं इसके, देखो हमारे यहाँ तो कोई जानता ही नहीं, देखो ऐसे फली के पूरे निकल जाते हैं बाहर के, शायद ये गर्म इलाके में ही होते, ठंडे इलाके में होते नहीं, नहीं तो हमारे यहाँ भी होते। मैंने देखा इसको बरेली तक के मैंने इसके पौधे देखे, हल्द्वानी में भी देखे थे, जैसे ट्रेन में हम जाते हैं ना तो ये गर्मी की सीजन में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लटके रहते हैं, तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार यहाँ तक तो होते हैं, ये पहाड़ों में तो होते ही नहीं हैं, और ऐसे पीस छोटे छोटे बना के फिर जब अपन इसको बनने के बाद खाते हैं ना, बड़ी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। शुरू शुरू में तो मुझे पता नहीं था, मैं सोचती कोई ऐसे ही बेल होंगे और लगे भी देखती थी, पहले तो बहुत ज़्यादा लगते थे, अभी अभी तो कम ही है यहाँ पेड़, अब तो ये सामने ही पेड़ था, मैं देख के बोल रहा देखो ऐसे, और फिर इसको चूस चूस के खाते हैं सब सब्जी बनने के बाद। तो पहले मैं यहाँ जब नई नई आई थी ना, इसका पेड़ पूरे भरे हुए लटके रहते थे आगे, मैं सोचती कुछ ऐसे फालतू पेड़ होंगे, मुझे क्या पता इसकी सब्जी खाते हैं। फिर मेरे को मेरे नीचे वाले आंटी जी थे, उनने बताया, बोले इसकी सब्जी खाते हैं आप, इसको बनाना आलू के साथ में बहुत अच्छी लगती है, मसाला बना के मैंने बनाया, वास्तव में अच्छी लगी। बाद में फिर मैंने इसको यूट्यूब में देखा, इसका तो बहुत अच्छा बता रहे, बोले ये तो ये इसका ऐसे फ़ायदे रहते हैं, ये फ़ायदे रहते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप भी इसको सर्च करना सरोजना की फली को, तो आपको भी पता लग जाएगा। और किस किस के यहाँ खाते हैं इसकी सब्ज़ी कमेंट करके बताना, हमारे यहाँ तो खा रहे हैं तो हम लोग भी खा रहे हैं, और जिसके यहाँ नहीं खाते वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। तो बना लेती हूँ मैं इसकी सब्ज़ी। मसाला बनाने के बाद मैंने डाल दी है इसमें सब्जी, कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, और ऐसे बनाने से ना मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। बस अंशु ड्रामे करता है, इसका फ्लेवर इसको समझ में नहीं आता है अंशु को। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर मसाले में बनने देती हूँ और उसके बाद डालूँगी इसमें पानी। आज की स्पेशल सब्जी बन रही है हमारी सरोजना की फली की, और हम थोड़ा सा मार्केट होके आते हैं, मिस्टर जी को भी काम है थोड़ा सा तो वो जा रहे थे, मुझे भी क्या घर के थोड़ा बहुत सामान ले आती हूँ मैं, सब्जी वगैरह, और ये करेंगे पढ़ाई। टाइम कितना हो गया? 7:30, 7:30 बजे जा रहे हैं, चौपाटी तक ही जाना है, मार्केट तो नहीं। सूट पहन लेती हूँ, ठंडा ठंडा हो गया मौसम अभी का, दिन में तो अच्छा रह रहा है। सीधे मिलते हैं चौपाटी पे, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो गया ना। सब्जियाँ भी खरीद ली चौपाटियों में, और सब्जी नहीं खरीदी ऐसा हो ही नहीं सकता, सब्जियाँ खरीद ली मैंने हूँ केशव बाजार में, अब यहाँ से थोड़ा सामान लेना मुझे, वो ले लेती हूँ। मिस्टर जी भी देख रहे हैं, इनको पता नहीं क्या लेना,
मेरे को है ना ये लेना है सोया सॉस वगैरह, तो ये ले लेती हूँ मैं। सारे सॉस लगे इधर, तो येशु बाजार का सामान भी ले लिया है, अब चलते हैं घर। पहुँच गए हैं घर पे बच्चे, हलवे की काजल भी लेके आई हूँ। नूडल्स बनाने के लिए बोल रहा था कितने दिन से, तो मेरे सॉस हाँ, तो इसी के लिए मैं केसो बाजार गई अभी। पता बोला अब तो मेरे कल सुबह नूडल्स मामा बनाने चाहिए स्कूल को, संडे को बनाना। हाँ तो सब्जी हो गई रेडी, आज की स्पेशल सब्जी है ये सीजन की सरोजनी की फली की। अब बनाऊंगी रोटी, खुशा लगा रही है आटा, अभी तक नहीं लगाए हम, सब्जी लेके आ गए। जल्दी आ जाओगे, उसने सोचा कि मम्मी अपने आप ही लगाएगी, बट अभी लगा रही है, अब बनाऊंगी रोटी में। आज की स्पेशल सब्जी किस किस के यहाँ बनती है कमेंट करके जरूर बताना, सरोजनी की फली। अरे इनके समझ में आती नहीं है, बस इनके समझ में अच्छी लगती है उसकी। हाँ मार्केट के जो खाना रहता है ना, जो शरीर के लिए पराठे भी तो बनाते थे। हाँ मोदी जी सुना बोलता मोदी जी इसके पराठे भी खाते हैं, मैंने सुना था ना एक बार न्यूज में बताते हैं, तो मैंने इसको भी बोला है अच्छी रहती है, ये क्या कम पसंद करता है इसको। इसको अंदर तो वो सीड टाइप निकलती है। हाँ तो ये तो रहती खाने के अच्छे अंदर से। बोलो बाल कितने छोटे करा दिए इतने सांस। कहीं डबल से भेजा इसको, ऐसे करा ना इसने काम, पूछो मत अब। और डबल एक बार गया। इतने आठ इतने करे थे बस। कोई नहीं बेटा, इतने इतने करके लाया था। अब पहले हो रखे थे मेरे इतने। फिर तो मैंने इसको डांट के भगा दिया। इतने करा दिए पहले सही थे, मम्मी ने इतने कर दिए। हाँ तो मम्मी ने फिर भेजा। अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना रेडी हो गया है। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।